हेलो स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने टाइप ऑफ सॉल्यूशन की बात करी थी और उसमें हमने देखा था पहले सॉल्यूशन कैसे बनता है और उसके बाद हमने देखा था उन सॉल्यूशन बनते समय कौन कौन से फैक्टर में चेंज आता है उसके बेसिस में हमने उसको दो कैटेगरी में डिवाइड करा था पहला था आइडियल सॉल्यूशन आज के लेक्चर में हम देखने वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन उसी फैक्टर के बेसिस पे क्या क्या चेंजेस आएंगे और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को फर्दर हम कैटेगराइज uh, करेंगे पॉजिटिव डिविशन और नेगेटिव डिविशन इसका क्या मतलब हो? होता है वो भी अभी हम देखते हैं ठीक है थीके? तो स्टार्ट करते हम आज का लेक्चर नॉन आइडियल सॉल्यूशन से तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या लिखा है सॉल्यूशन विच डज नॉट फॉलो राउल स्लो एट ऑल टेम्परेचर एंड कंसेंट्रेशन इज नोन एज आइडियल सोल्यूशन सेम डेफिनेशन है जो हमने आइडियल सोल्यूशन के लिखी थी हमने बोला था कि आइडियल सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जो हर एक हरेकट्रेशन और हर एक टेम्परेचर पे राउल स्लो को क्या करता है फॉलो करता है बट नॉन आइडियल सोल्यूशन नहीं करता है ठीक है अब कौन कौन से जो फैक्टर्स हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे सेम फैक्टर्स हैं उनको हम पढ़ रहे हैं वन बाय वन तो सबसे पहला है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एफ जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए ए दो लिक्विड ले रहा हूं अभी भी सेम एक कंटेनर जिसमें ए ए पार्टिकल्स रखे हुए एक लिक्विड के दूसरा कंटेनर जिसमें बी बी पार्टिकल्स रखे हुए और दोनों को हम क्या कर रहे हैं मिक्स कर दे रहे और सॉल्यूशन मना रहे बाइनरी सॉल्यूशन जिसमें ए और बी दोनों कैसे वॉलेटाइल कंपोनेंट है वॉलेटाइल हमारे पास लिक्विड है और उनसे जब दोनों मिक्स होंगे होमोजीनियस मिक्सचर बजाएंगे बनाएंगे सॉल्यूशन के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा तो उसमें ए और बी के बीच में नया इंट्रेक्शन नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा डेवलप होगा तो पहले क्या था और बाद में क्या हुआ चेंजेस उसकी हम बात कर रहे हैं तो मैं बोल रहा हूँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पहले ए और ए के अंदर मिक्स करने से पहले जब प्योर फॉर्म में ए था वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो दूसरा हमारे पास लिक्विड है बी उनके बीच में बी बी के पार्टिकल्स जो है उन उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बिल्कुल क्या होगा अलग नॉट इक्वल्स टू ए ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी बी और ये दोनों ही फोर्स ऑफ वो अट्रैक्शन जो हमने फाइनल सॉल्यूशन बनाया ए और बी को मिक्स करने के बाद जो फाइनल सॉल्यूशन बनाया ए और बी को मिक्स करने के बाद वो फाइनल सॉल्यूशन बनने के बाद जो नया एंट्रैक्शन बनाया ना ए और बी के बीच में वो भी उन दोनों के सिमिलर नहीं होगा या उन दोनों की एनर्जी उन दोनों के बराबर मतलब ए बी की एनर्जी ना तो ए के फोर्स ऑफ एट्रैक्शन के बराबर या इसके बराबर हो ना ही बीबी के बराबर मतलब तीनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्योर लिक्विड ए था उनमें आपस में मोलिकुलर या एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो आपस में वो बिल्कुल अलग था दूसरा लिक्विड जिसमें बीबी पार्टिकल्स है इनके बीच में एटम्स के बीच में मॉलिक्यूल्स के बीच में पार्टिकल्स के बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो बिल्कुल अलग है और दोनों को जब मिक्स करा और नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए और बी बना तो ये बिल्कुल अलग है ये कब होगा नेगेटिव डिविशन में सॉरी नॉन आइडियल सॉल्यूशन में आइडियल सॉल्यूशन में क्या था ए ए इज इक्वस टू बी बी इज इक्वस टू ए बी आ रहा था बट नॉन आइडियल में सब जगह नॉट इक्वल्स टू आ जाएगा सारे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग होगी पहला फैक्टर ठीक है सेकेंड फैक्टर है डेल्टा पी मिक्स इज नॉट इक्वस टू जीरो इसको ध्यान से समझना डेल्टा पी मिक्स नॉट इक्वल टू जीरो इसका क्या मतलब है कि मैंने बोला था कि डेल्टा पी मिक्स का मतलब क्या है कि जब हमारा फाइनल सॉल्यूशन बन गया फाइनल सॉल्यूशन बन गया तो एक बार हमने क्या करा थ्योरिटिकली राउल स्लो के अकॉर्डिंग राउल्स और डेल्टन स्लो को कंसिडर uh, करके हमने थ्योरिटिकली क्या करा उनके जो भी हमारे पास डेटा गिवन थे थ्योरिटिकली हमने क्या करा वेपर प्रेशर कैलकुलेट करा अब मैंने क्या करा एक्सपेरिमेंटली बैरोमीटर यूज करके और एक्चुअल में एक्सपेरिमेंटली प्रैक्टिकली मैंने कैलकुलेट करा कि एक्चुअल में वेपर प्रेशर आ कितना रहा है उन दोनों में जो डिफरेंस होता है वो क्या रिप्रेजेंट uh, करता है डेल्टा पी चेंज इन Vapor of तो यहां पर बोला गया है कि जब आइडियल सॉल्यूशन था तब तो हमने लिखा था डेल्टा पी मिक्स इज जीरो। मतलब कोई चेंज नहीं आ रहा है जितना हमने थियोरिटिकल कैलकुलेट uh, करा था एक्जेक्टली exactly एक्सपेरिमेंटली भी उतना ही हमें नजर आता है, तो कोई चेंज नहीं आता लेकिन नॉन आइडियल सोल्यूशन में इसमें डिफरेंस आता है डिफरेंस मतलब कि जो चेंज है वो जीरो नहीं है मतलब कुछ ना कुछ बड़ा या कुछ ना कुछ कम हो कुछ तो चेंज आया हैेशर में ठीक है तो यहां पर हमने बोला है कि इसका मतलब क्या हुआ क्योंकि डेल्टा पी मिक्स डेल्टा पी मिक्स क्या था पी ऑब्जर्व माई माइनस पी कैलकुलेटेड था तो पी ऑब्जर्व माइनस कैलकुलेटेड को इधर ले जाएंगे तो पी ऑब्जर्व इज नॉट इक्वल्स टू तो पी कैलकुलेटेड होगा मतलब ऑब्जर्व और कैलकुलेटेड सेम नहीं आ रहे या फिर मैं ऐसे ही बोल सकता हूं एक्सपेरिमेंटल और थियोरिटिकल वैल्यू सेम नहीं आ रही है जो फाइनल हमने सॉल्यूशन बनाया है ए और बी को मिक्स करने के बाद ठीक है ऐसा क्यों हो रहा है ठीक है इस बात देखो ऐसा क्यों हो रहा है तो इसको समझने के लिए ठीक है फॉर एग्जाम्पल हमने जैसे लिया था यहां पर ठीक है मैंने मान लिया यहां पर ये लिक्विड के पार्टिकल्स है यहाँ पे ठीक है ए लिक्विड के पार्टिकल्स है के particles. एक कंटेनर है फिर मैंने यहां पर मान लिया यहां पे हमारे पास बी लिक्विड के पार्टिकल्स है और फाइनली हमारे पास यहाँ पे ए और बी लिक्विड के पार्टिकल्स है ठीक है और इसको मैं अलग अलग कर देता हूँ ये एक फाइनल हमारा कंटेनर है ये बी लिक्विड है और ये हमारा ए लिक्विड है ठीक है ये ए लिक्विड है ये बी लिक्विड है और ये ए प्लस भी हमारा सॉल्यूशन है अब सुनना ध्यान से जब मैंने बोला जब लिक्विड ए था हमारे पास तो इसमें ए और ए के बीच में इंट्रैक्शन है ये जो ए और ए के बीच में इंट्रैक्शन है वो इस बी और बी के पार्टिकल के इंट्रैक्शन के बराबर नहीं है और ये दोनों ही इंट्रैक्शन हमारा जो नया ए और बी इंट्रैक्शन बना होमोजिनियस मिक्सचर बनना चाहिए था उसके बराबर नहीं है अब ऐसा क्यों हो रहा है ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था यहां पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो इसके बराबर नहीं है और यहां पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो इसके बराबर नहीं मतलब कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर नहीं तो अब दो पॉसिबिलिटी आ जाती है या तो जो हमने फाइनल सॉल्यूशन बनाया उसमें ए और बी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों का क्या हो जाएगा आपस में बढ़ जाएगा एक पॉसिबिलिटी कि ए और बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाए प्योर ए ए और प्योर बी बी से या दूसरी पॉसिबिलिटी कि इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाए प्योर ए ए और प्योर बी बी के इंट्रैक्शन से इसी बेसिस पे हम इसको पॉजिटिव और नेगेटिव डिवीजन में कैटेगराइज करते हैं ठीक है इसी बेसिस पे हम इसको पॉजिटिव और नेगेटिव डिविशन के बेसिस पे कैटेगराइज करते हैं लेकिन हाँ ये चीज़ क्लियर है कि सारे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम नहीं होंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम नहीं होंगे तो ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है जो वेपर प्रेशर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे जो वेपर प्रेशर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे आइडियल मान के कि सेम ही होंगे तो वो एक्सपेरिमेंटली सेम नहीं आ रहा है कैसे नहीं आ रहा उस पर भी हम आते हैं ठीक है तो ये तो पहले तो मैंने ये बेसिक सी चीज़ बताई है कि जब ऐसा हो क्यों रहा है क्योंकि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का क्या है डिफरेंस है यानी अब ठीक है इस पर वापस आएंगे अभी जब मैं पॉजिटिव नेगेटिव भी पाऊँगा तो और बेटर समझ में आएगा अब आते हैं वॉल्यूम पे यहाँ पे मैंने बोला डेल्टा वी मिक्स वॉल्यूम इज नॉट इक्वल्स टू जीरो डेल्टा वी मिक्स इज नॉट इक्वल्स टू जीरो का मतलब क्या है जब दोनों लिक्विड ए और बी को जब मैंने मिक्स करा ठीक है जब लिक्विड ए और बी को मैंने मिक्स करा तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि पहले कंटेनर पहले कंटेनर का यहां पर मैं बोल रहा हूं कितना है मेरे पास ये टेन एम है बी मेरे पास कितना दे रखा फाइव एम एल है तो दोनों को जब मिक्स कर दूंगा मैं तो फिफ्टीन एम मिलना चाहिए ना टोटल लेकिन फिफ्टीन नहीं मिल रहा ये आइडर ये क्या है ठीक है इसका जो वॉल्यूम है वो फिफ्टीन एम नहीं है या तो 15 से ज्यादा हो जाएगा या 15 से कम हो जाएगा इसलिए हमने बोला नॉट इक्वल्स टू वी ए प्लस बीबी मतलब इंडिविजुअल लिक्विड के सॉल्यूशन के बराबर नहीं है ठीक है क्यों नहीं है वो अभी हम इन एक एक चीज पे इंडिविजुअली बात करेंगे ठीक है तो वो इसका मतलब है कि डेल्टा वी मिक्स इज़ नॉट इक्वल्स टू तो जीरो दैट मीन्स जब लिक्विड ए और लिक्विड बी के वॉल्यूम को हमने ऐड करा तो फाइनल जो हमारा सॉल्यूशन का वॉल्यूम उसके बराबर नहीं आ रहा था तो कुछ कम आ रहा होगा या ज्यादा आ रहा होगा जबकि आइडियल में क्या था डेल्टा वी मिक्स इक्वल्स टू तो क्या था जीरो फोर्थ डेल्टा एच मिक्स चेंज इन एंथेल्पी मिक्स करने पर एंथेल्पी में क्या चेंज आया तो वहां पर यह लिखा है कि ट रिलीज और एब्जॉर्ब या तो रिलीज हो रही है तो जो फाइनल हीट तब रिलीज होगी जब बॉन्ड बहुत स्ट्रॉग बनेगा बहुत स्ट्रॉग बनेगा तो ज्यादा हीट रिलीज करेगा और हीट ओवरऑल एब्जॉर्ब कब होगी जब हमारा फाइनल जो बॉन्ड बन रहा है ए बी वो बड़ा वीक बने जो हमारे इनिशियल ए और बीबी के बीच में बॉन्ड था वो वीक बने वीक बनेगा तो एनर्जी बहुत कम रिलीज होगी और एब्जॉर्ब बहुत ज़्यादा होगी तो ओवरऑल सिस्टम में एनर्जी क्या मिलेगी हमें एब्जॉर्ब होती मिलेगी ठीक है तो ये सब डिपेंड करेगा नेगेटिव पॉजिटिव पे तो उसमें आएंगे तो अभी इतना है क्लियर है कि इसमें जीरो नेट जीरो नहीं होगा या तो कुछ हीट ओवरऑल एब्जॉर्व होगी या कुछ रिलीज होगी ठीक है ये सब किससे मैं कंपेयर कर रहा हूँ आइडियल से आइडियल से आप ये देखोगे तो ये सब बराबर था यहाँ पे ये भी डेल्टा पी मिक्स इक्वल्स टू जीरो था डेल्टा वी मिक्स भी जीरो था डेल्टा एच मिक्स भी जीरो था किसमें आइडियल में कि कोई चेंज नहीं आ रहा था सब जीरो था एक्सपेरिमेंटल प्रैक्टिकल सब चीजें ठीक है लेकिन यहाँ पर यह कोई भी चीज जीरो नॉट इक्वल्स टू आ रहा है बट दो फैक्टर दो फैक्टर जिसकी बात मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था एक तो डेल्टा एस मिक्स एक तो डेल्टा एस मिक्स की एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग ऑफ टू इंडिविजुअल लिक्विड एंड फॉर्म अ फाइनल होमोजीनियस सोल्यूशन देखिए सोल्यूशन की डेफिनेशन है कि होमोजेनियस मिक्सचर होना चाहिए यूनिफॉर्म कंपोजिशन होना चाहिए तो उसमें एंट्रोपी तो हमेशा बढ़ेगी क्योंकि डिसऑर्डरनेस आएगा ही आएगा तो ये दो फैक्टर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और नॉन आइडलोय तो डेल्टा एस मिक्स अभी भी ग्रेटर देन जीरो है क्योंकि एंट्रोपी बढ़ रही है डिसऑर्डरनेस बढ़ रहा है और उसी तरीके से डेल्टा जी मिक्स मतलब गिप्स फ्री एनर्जी भी क्या होगी नेगेटिव होगी क्यों क्योंकि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है दो लिक्विड को अपना आप मिला और यूनिफॉर्मली वो आ, मिक्स हो जा रहे होमोजीनियस मिक्सचर बना रहे मतलब वो काम अपने आप कर रहे हैं दैट मीन्स दैट मीन्स वो हमारा कैसा हो गया स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गया और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा जी नेगेटिव से ठीक है तो ये दो तो सब दोनों में कौन से और बाकी आइडियल से अगर मैं कंपेयर करूँ तो आइडियल में ये सारे ऊपर के चारों फैक्टर क्या दिखेंगे आपको इक्वल्स टू जीरो टू जीरो टू जीरो और ये equals, equals, equals. सारे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर क्लियर है तो ये था हमारा नॉन आइडियल और आइडियल के बीच में कैसे हमने इसको डिफ्रेंशिएट करा वो चीज़ यहां पर हमने उन फैक्टर को पढ़ा अब नॉट इक्वल्स टू क्यू आ रहा है ठीक है नॉट इक्वल्स टू क्यू आ रहा है और नॉट इक्वल्स टू आ रहा है तो बड़ा होगा या छोटा होगा वो कैसे होगा तो उसमें हम बात करने वाले इसके भी नॉन आइडियल के दो कैटेगरी में तो पहले आप इतना कॉपी करें वीडियो को पॉज करके जल्दी से ठीक है वीडियो पॉज करें और कॉपी करें ठीक है वीडियो पॉज करें और कॉपी करें जल्दी से चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन सॉल्यूशन हमने दो कैटेगरी में डिवाइड करा ठीक तो है? है? तो है पहला Raoul's law. Raoul's law को अगर कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा हमारा आइडियल सॉल्यूशन और अगर राउल लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है तो क्या कहलाएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन अब फॉलो नहीं कर रहा है तो कैसे नहीं कर रहा उस पर हम बात कर रहे हैं तो हम राउल लॉ से ठीक है राउल लॉ से सोल्यून शोइंग नेगेटिव डिविशन राउट स्लो से नीचे की तरफ नेगेटिवली आ रहा है ठीक है उससे वैल्यू उसकी कम आ रही है तो हम उसको बोलेंगे क्या नेगेटिव डिविजन अगर राउट स्लो के अकॉर्डिंग जो वैल्यू आनी चाहिए उससे ऊपर आ रही है वैल्यू तो हम उसको क्या बोलेंगे पॉजिटिव डिविजन कैसे नीचे ऊपर तो अभी हम बात करने वाले ग्राफिकल भी और थ्योरेटिकल भी ठीक है थीक? तो नेगेटिव डिविएशन में हर चीज ये मान के चलो आइडियल में सब चीज जीरो होती है मतलब डेल्टा uh, एस और डेल्टा जी को छोड़ के ठीक है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सारे बराबर होंगे नॉन आइडियल में सब नॉट इक्वल्स टू आ जाएगा डेल्टा एस और डेल्टा जी को छोड़ के अब नेगेटिव है तो बिल्कुल जैसा नाम है वैसा ही करना सारे जो सिंबल है अब नेगेटिव आ जाएंगे जैसे अभी नॉट था ना नॉट इक्वल्स टू जीरो तो दो पॉसिबिलिटी या तो लेस देन जीरो होगा या ग्रेटर देन जीरो होगा तो नाम से मुझे पता लग रहा है नेगेटिव डिवीजन नेगेटिव डिवीशन का मतलब ही क्या है लेस देन जीरो ठीक है तो यही लिखा है सॉल्यूशन इन विच ए बी इंट्रैक्शन दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज स्ट्रॉगर देन जो हमने दो लिक्विड ए और बी को जब मिक्स करा तो दोनों को मिक्स करने पे ए और बी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुआ जो उनके बीच में बॉन्डिंग हुई जो उन्होंने एक दूसरे को जब अट्रैक्ट करा तो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करा इतना स्ट्रांग अट्रैक्ट करा कि पहले जो ए ए और बी बी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उससे भी हायर या उससे भी ज्यादा एनर्जी उसमें से रिलीज हुई जब वो बॉन्ड बना मतलब स्ट्रांगली पहले वाले मैं बोल सकता हूँ ए ए और बी बी बॉन्ड से वो ज्यादा स्ट्रांगर बॉन्ड था ठीक है तो वही चीज़ यहां पर लिखी अब ध्यान से देखना फैक्टर वही उन्हीं फैक्टर को हम बार बार पढ़ रहे हैं नहीं पहला फैक्टर लिखा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो हमने बोला कि जो ए बी जो सॉल्यूशन बनने पे जो नया इंट्रैक्शन नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो वो स्ट्रोंगर है देन ए ए एंड ए बी अगेन स्ट्रॉन्गर देन है बी बी मतलब इनिशियली हमारे पास जो इंडिविजुअल लिक्विड थे उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन गया है डेवलप हो गया जब हमने उस सॉल्यूशन में मिक्स करा दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में या दो अलग अलग पार्टिकल्स या दो अलग अलग एटम्स के बीच में ठीक है तो वही लिखा ए बी इज स्ट्रांगर देन ए एंड ए बी इज स्ट्रॉगर देन बी बी ठीक है ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि नेगेटिव डिविएशन में सिर्फ इतना एक ही पॉइंट आपको याद रखना है ठीक है और याद भी क्या समझना है नेगेटिव डिविएशन क्यों बोला गया वो भी समझ में आएगा लेकिन ये चीज ध्यान रखना नेगेटिव डिविएशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाइनल सॉल्यूशन के बीच में दोनों पार्टिकल के बीच में क्या होता है बढ़ जाता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जा रहा है उसकी वजह से फिर सारे फैक्टर आप समझ में आएंगे सिर्फ इतना आपको ध्यान रखना है तो अब हो क्या रहा है इसमें हमने क्या बोला जैसे डेल्टा पी मिक्स नॉन आइडियल के लिए हमने बोला था नॉट इक्वल्स टू जीरो अब उसमें भी मैंने स्पेसिफिक कर दिया क्या नेगेटिव डिविएशन नेगेटिव मतलब लेस देन जीरो से छोटा क्या आएगा नेगेटिव तो डेल्टा पी मिक्स की वैल्यू क्या मिलेगी लेस देन जीरो यानी नेगेटिव वैल्यू मिलेगी मतलब जो भी प्रेशर में चेंज आया जो भी एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्व वैल्यू के अंदर प्रेशर में जो चेंज आया वो मुझे नेगेटिव में मिल रही है नेगेटिव में मिल रही है मतलब क्या है कि मुझे जो मैंने कैल थेटिकली कैलकुलेट करी थी उससे कम वैल्यू मिल रही है फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को सेवेंटी एम एम एच जी या सेवेंटी एटमोस्फेरी प्रेशर देख मिलना चाहिए था लेकिन अब कितना मिल रहा है मेरे को सिक्सटी नाइन सिक्सटी एट या सिक्सटी फाइव उससे कम मिल रहा है ठीक है तो वही लिखा है पे डेल्टा पी मिक्स की वैल्यू क्या होती है पी ऑब्जर्व माइनस पी कैलकुलेटेड होती है विच इज़ लेस देन जीरो होगी इस नेगेटिव वाले पार्ट को मैं इधर ले जाऊंगा तो ये पी कैलकुलेटेड क्या हो गया पॉजिटिव हो गया और इसका मतलब ये नज़र आ रहा है कि ऑब्जर्व वैल्यू इज़ लेस देन कैलकुलेटेड कहा से बैरोमीटर से मैंने कैलकुलेट करी एक्सपेरिमेंटली और कैलकुलेट कहा से करी मैंने राहुल से मैंने कैलकुलेट करी थ्योरिटिकल वैल्यू थीटिकल वैल्यू ज्यादा आ रही है और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कम आ रही है इसका मतलब क्या है क्योंकि ये मैं कहा से कैलकुलेट करूंगा ये मैं कहा से कैलकुलेट करूंगा पी कैलकुलेटेड अगर दो वॉलेटाइल कंपोनेंट है तो पी नॉट है एक्स है प्लस पी नॉट भी एक्स बी से मैं कैलकुलेट करूंगा और इन दोनों की जो वैल्यूज़ है वो हमारी एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू है उससे क्या आ रही है ठीक है जितनी आनी चाहिए थी वो वैल्यू आ नहीं रही है तो थ्योरिटिकल वैल्यू ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थ्योरिटिकल से कम आ रही है नहीं। इसका मतलब ये है कि जो पी नॉट एक्स ए ये पी नॉट एक्स ए हमें क्या बता रहा है थ्योरिटिकल बता रहा राउल लॉ से और पी ए मैंने लिखा है कि उस सॉल्यूशन का वेपर ए कंपोनेंट या ए लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के अंदर क्या है तो वो सॉल्यूशन के अंदर प्रैक्टिकली उसका जो वेपर प्रेशर है वो क्या आ रहा है कम आ रहा है किससे उसके थियोरिटिकल वैल्यू से तो मैंने लिखा है यहां पे पी ए इज लेस देन पी नॉट ए एक्स ए आ रही बात इसका मतलब क्या समझ में है कि मैं कह रहा हूं कि जो सॉल्यूशन में लिक्विड है दो ही तो लिक्विड है ये और भी उसकी वजह से तो होगा ठीक है डेल्टन स्लो ये कहता है कि जितने भी वॉलेटाइल कंपोनेंट होंगे उनके इंडिविजुअल वेपर प्रेशर का समेशन हमारा टोटल प्रेशर हो जाएगा सॉल्यूशन का तो दो कंपोनेंट है तो पी किसके बराबर होगा पी ए प्लस पी बी के बट पी ए अगर मैं मैंने ये पीए कहाँ से कैलकुलेट करा ये बैरोमीटर से ये पी बी कहाँ से कैलकुलेट करा बैरोमीटर से ये पी नॉट है एक से ये कहाँ से कैलकुलेट करा थियोरिटिकल राउल स्लो से तो थ्योरिटिकल जो वैल्यू है वो ज़्यादा आ रही है जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है ठीक है यहां पे भी थ्योरिटिकल जो वैल्यू है पी नॉट बी एक्स बी ये ज़्यादा आ रही किस experimental है किससे हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से ठीक है क्यों आ रही है उस पर भी अभी हम बात करेंगे तो यहां से मुझे पता लग रहा है कि वेपर प्रेशर जो ए है जितना उसका होना चाहिए तो उससे कम वैल्यू मिल रही है, और वेपर प्रेशर ऑफ बी है वो है उतना मुझे जितना मिलना चाहिए था उससे कम मिल रही है अब आ जाओ मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि सारी कहानी कहां से स्टार्ट हुई थी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से और अभी मैंने बोला कि नेगेटिव डिविएशन में एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हमारा ए बी जो डेवलप हुआ है ठीक है ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ए बी जो डेवलप हुआ है नेगेटिव डिविएशन में ठीक है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो डेवलप हुआ नेगेटिव डिविएशन में वो स्ट्रोंगर है हमने क्या बोला ये स्ट्रोंगर है ए ए से भी स्ट्रांगर है और ये स्ट्रोंगर है बी बी से भी स्ट्रोंगर है अब सुनना ध्यान से फॉर एग्जाम्पल यहां पर इसका कोई वेपर प्रेशर होगा ठीक है क्लोज कंटेनर मान लेना सभी को सभी ये क्लोज कंटेनर है तो इसमें कुछ वेपर प्रेशर होगा इसका भी कोई वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन का भी वेपर प्रेशर तो इसका वेपर प्रेशर कुछ भी है यहाँ पे ठीक है यहाँ से लिक्विड से वेपर फेस में आ रहा है यहाँ पे भी इसका कुछ वेपर प्रेशर होगा लेकिन जब इन दोनों को मैंने मिक्स करा ना तो अब वेपर प्रेशर मेरे को कम मिल रहा है एक्सपेरिमेंटली क्यों कम मिल रहा है अब ध्यान से सुनना क्योंकि जो ए और बी इंडिविजुअल लिक्विड ए और बी को जब मैंने मिक्स करा और फाइनल सॉल्यूशन बनाया तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया ये मॉलिक्यूल ने एक दूसरे को सबको क्या कर लिया स्ट्रांगली बॉन्ड कर लिया अब मेरे को वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है तो वेपर प्रेशर तो हमें इक्विलिब्रियम आने पर पता लगेगा और इक्विलिब्रियम कब आएगा जब लिक्विड वेपर में जाएगा तो यहाँ पे जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लिक्विड से वेपर में कम क्या होंगे वेपराइज होंगे ट्रांसफर होंगे बट एट द सेम टेम्परेचर लिक्विड और ए और लिक्विड बी इसके जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल है इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो यहां से लिक्विड से वेपर फेस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा वेपराइज होंगे या ट्रांसफर होंगे लिक्विड से वेपर फेस में और जितने ज़्यादा लिक्विड से वेपर फेस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ट्रांसफर होंगे उतना ही ज़्यादा मुझे क्या नजर आएगा वेपर प्रेशर नज़र आएगा ठीक है तो पहले क्या था इंडिविजुअल लिक्विड का तो वेपर प्रेशर ज़्यादा था लेकिन जब मैंने दोनों को मिक्स करके और सॉल्यूशन बनाया तो अब मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने से अब लिक्विड वेपर में कम कन्वर्ट हो रही है वेप्राइस कम हो रहा है एट द सेम टेम्परेचर और सेम टेम्परेचर पे वेप्राइस कम हो रहा है सेम टेम्परेचर पे वेप्राइस कम हो रहा है तो वहां पर उसका वेपर प्रेशर भी क्या आएगा कम आएगा तो थ्योरेटिकली तो हमने क्या करा हमें तो पता ही नहीं था भाई हम तो सेम फोर्स ऑफ अट्रक्शन मान के चल रहे थे और थ्योरेटिकल हमने तो क्या करा राउल स्लो से कैलकुलेट कर लिया तो राउल स्लो से तो जो वैल्यू आनी थी वो देख ली हमने लेकिन एक्सपेरिमेंटली उसकी वैल्यू एक्चुअल कम कम आ रही वेपर और कम क्यों आ रही रही प्रेशर की और क्यों क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल वेपराइज ही कम हो रहे अब वेपर ही कम बनेगी तो वेपर प्रेशर तो लिक्विड के सर्वेस पर क्या होगा कम ही जनरेट होगा आ रही बात समझ में तो सारा खेल किसका ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का है ठीक है चलिए अब बात करते हैं इसमें हम ठीक है तो ये तो पहला पॉइंट हुआ वेपर प्रेशर जो हमने यहाँ पे बात करी थी सॉरी हाँ वेपर प्रेशर की हमने बात करी थी कि डेल्टा पी मिक्स हमें लेस देन जीरो क्यों मिल रहा है क्योंकि ऑब्जर्वड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हमें कम मिलती है थ्योरिटिकली वैल्यू से जो हम राउल स्लो से कैलकुलेट करते हैं क्योंकि थ्योरेटिकली तो हम फॉर्मूले से डेटा देख के कैलकुलेट कर लिया लेकिन उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज होने से जो मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्डिंग बढ़ गई अट्रैक्शन बढ़ गया तो लिक्विड से वेपर फेस में ट्रांसफर भी क्या हो गया लिक्विड से वेपर में ट्रांसफर भी है कन्वर्जन क्या हो गया कम हो गया तो वेपर प्रेशर भी क्या आएगा कम आएगा ठीक है चलिए ये हुआ हमारा वेपर प्रेशर फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट फैक्टर डेल्टा वी मिक्स डेल्टा वी मिक्स लेस देन जीरो क्योंकि नेगेटिव डिविएशन है तो सिंपल है सब जगह लेस देन लगा दो नेगेटिव लगा दो ठीक है तो लेस देन जीरो का मतलब क्या है मैंने बोला यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इसका मतलब क्या है लेस देन जीरो का मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन समेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ इंडिविजुअल लिक्विड ए और लिक्विड बी दोनों का वॉल्यूम का जो समेशन था वो एड करा तो वो ज्यादा आ रहा है किससे फाइनल जब दोनों को ए और बी को हमने मिक्स कर दिया ऐसे क्यों फिर से वही कहानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैं कह रहा हूं यहां पर इसका जैसे मैंने बोला दस एम है, इसका 5 एम है, तो मिक्स करने पर कितना होना चाहिए फिफ्टीन एम ml। लेकिन मैंने बोला नेगेटिव डिविएशन का मतलब क्या है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जा रहा है अब सुनना ध्यान से इस लेयर का ठीक है लेवल में मान लेता हूं ठीक है इस जो ये लेवल है इसका वो मैं मान लेता हूं ठीक है इस लेवल तक हमारे पास क्या है लिक्विड है यहाँ पर इस लेवल तक हमारे पास लिक्विड है यहां पर इस लेवल तक हमारे पास लिक्विड है ठीक है अब हुआ क्या है जब इसमें से दस एम और इसके पांच एम को एड करा तो हमें मिलना कितना चाहिए था पंद्रह एम कोई ट्रेसिस भी नहीं बचे सारा का सारा हमने ट्रांसफर कर दिया ठीक है अब हुआ क्या है कि जब इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है किसके कंपैरिजन में दोनों को जब मिक्स करा तो मॉलिक्यूल्स कैसे थोड़े दूर दूर है इसमें भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है कम है फाइनल से तो इसमें भी मॉलिक्यूल्स क्या थोड़े दूर दूर है लेकिन जब दोनों को मैंने ऐड करा तो जब नए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो डेवलप हुए ए और बी के बीच में वो बढ़ गए स्ट्रांग हो गए तो मॉलिक्यूल कैसे आ जाएंगे पास पास में आ जाएंगे और मॉलिक्यूल जितना पास पास में आएंगे तो सरफेस टोटल जो लिक्विड का सरफेस जहां पे मुझे 15 एम दिखना चाहिए था उससे थोड़ा सा लेवल मुझे कम नज़र आएगा हो सकता है 14.99 हो 14.9 हो 14.8 हो फोर्टीन 14 हो या 14 एम हो या 13.5 पॉइंट तो फाइव डिपेंड करता है कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एक्जैक्टली उतने हैं सारे के सारे पार्टिकल ट्रांसफर करे उसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने से मॉलिक्यूल्स और पास पास में आ रहे तो पास पास आने से जो लिक्विड का लेवल है वो हल्का सा नीचे नजर आएगा आपको इसलिए हम कह रहे कि जब दोनों लिक्विड को हमने मिक्स करा तो फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम मुझे कम नज़र आ रहा है नहीं सेम टेम्परेचर पे कम क्यों नज़र आ रहा है क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया तो मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूल्स जो अपने जिस सरफेस पे जहां दिखने चाहिए थे फिफ्टीन एम उससे थोड़ा सा नीचे आ जाते क्योंकि वो सारे मॉलिक्यूल क्या हो गए पास पास में आ गए स्ट्रांगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एक ही रीज़न है पूरा सारे फैक्टर के लिए स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ठीक है तो ये हुआ हमारा नेक्स्ट फैक्टर कौन सा वॉल्यूम वाला ठीक है इसलिए फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमें कम नजर आ रहा है इंडिविजुअल लिक्विड के वॉल्यूम से थर्ड फैक्टर है डेल्टा एच मिक्स जो कि लेस देन जीरो इसका मतलब क्या है डेल्टा एच मिक्स लेस देन ने जीरो नेगेटिव में तो सब में नेगेटिव आ रहा है तो सब में नेगेटिव लगा दिया तो डेल्टा एच नेगेटिव ने की वैल्यू थर्मोडाइनेमिक्स में क्या होती है एक्सोथर्मिक लेस देन जीरो होने का मतलब थर्मोडाइनेमिक्स में हम क्या बोलते हैं एग्जो थर्मिक है एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है जो हीट रिलीज करता है तो ये तो हमने डायरेक्ट बोल दिया अब यहां पर समझे कैसे हीट रिलीज कर रहा है तो ये हीट रिलीज कैसे कर रहा है कि जब मैंने ए और ए बी और बी दोनों को मिक्स करके जब मेरे को सॉल्यूशन बनाना है तो क्या होना है ए ए के बीच में जो भी बॉन्ड है वो ब्रेक होने है, तो मुझे एनर्जी कही हो, क्या चाहिए होगी एब्जॉर्ब होगी तो इसमें तो जब सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे तो ये बॉन्ड टूटने चाहिए ठीक है तो इसमें एनर्जी एब्जॉर्व होगी इसमें भी बी बी के बॉन्ड टूटने चाहिए तो इसमें भी एनर्जी एब्जॉर्व होगी लेकिन जब दोनों को मिक्स कर देंगे तो ए और बी के बीच में ए और बी के बीच में क्या होगा नया हमारे पास क्या बनेगा इंट्रेक्शन बनेगा और वो क्या होगा एनर्जी रिलीज करेगा क्योंकि जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है और जब बॉन्ड टूटता है तो हमें एनर्जी देने पड़ती है ठीक है तो इन दो प्रोसेस में इंडिविजुअल में तो क्या होगा एनर्जी एब्जॉर्व होगी और इसमें एनर्जी रिलीज होगी अब हमने बोला ओवरऑल रिलीज हो रही क्यों क्योंकि ये जो दोनों बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं वो वीकर बॉन्ड है वो वीकर बॉन्ड है और वीकर बॉन्ड है तो एनर्जी उसमें क्या चाहिए होगी हमें कम चाहिए होगी ठीक है वीकर बॉन्ड है तो उसमें एनर्जी हमें क्या चाहिए होगी कम चाहिए होगी लेकिन जो हमारा नया बॉन्ड बन रहा है जो नया बॉन्ड बन रहा है वो स्ट्रॉगर बॉन्ड है स्ट्रोंगर बॉन्ड है तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी और एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी तो ऑब्वियस सी बात है क्यों एनर्जी ज्यादा क्यों रिलीज होगी क्योंकि स्ट्रोंगर बॉन्ड है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो उतने ही कोई चेंज तो करा ही नहीं तो सेम नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ कर रहे और वो सेम नंबर ऑफ़ पार्टिकल कम एनर्जी एब्जॉर्व कर रहे तो टोटल जब आप समेशन करोगे तो एब्जॉर्व एनर्जी तो कम है और रिलीज़ ज़्यादा है तो ओवरऑल सिस्टम से आपको क्या करेगा क्या uh, क्या ओवरऑल uh, सिस्टम से आपको क्या ऑब्जर्व होगा कि इस ओवरऑल सिस्टम से एनर्जी ज़्यादा रिलीज हो रही है और ज़्यादा रिलीज़ हो रही है इस प्रोसेस में ए और बी को मिक्स करने पे तो हम उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे एक्सोथर्मिक जिसका मतलब होता है हीट रिलीज़ होना फिर से कहानी कहाँ पर आ गई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे ठीक तो है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्योंकि ये स्ट्रोंगर है तो बॉन्ड बनते समय ये एनर्जी भी ज्यादा रिलीज करेगी क्योंकि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके वीकर है तो एनर्जी कम एब्जॉर्ब होगी इनको तोड़ने के लिए तो ओवरऑल हमें एनर्जी रिलीज होते हुए दिखाई देगी तो ये हो गया आपका नेक्स्ट फैक्टर एंथेल्पी का देन फिर हर बार लिख देता हूँ मैं ताकि आपको भी याद हो जाए बार बार डेल्टा एस मिक्स डेल्टा एस मिक्स क्या हो सॉल्यूशन कोई सा भी हो आइडल हो नॉन आइडल हो नॉन आइडल में भी नेगेटिव पॉजिटिव हो क्योंकि सॉल्यूशन बन रहा है सॉल्यूशन बन रहा है प्रेशर भले कम हो रहा है लेकिन जब सॉल्यूशन बना तो डिसऑर्डरनेस तो बढ़ा दो अलग अलग पार्टिकल आके मिक्स हुए तो एंट्रोपी तो बढ़ेगी बढ़ेगी इसलिए हमेशा पॉजिटिव और डेल्टा जी मिक्स हमेशा नेगेटिव क्योंकि ये अपने आप हो पूरा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो ये दो फैक्टर हमेशा सेम रहेंगे किसी भी सॉल्यूशन ठीक है अब आगे बढ़ते हैं हम इसमें इसके ग्राफ की बात करते हमें ठीक है ये ग्राफ को आप थोड़ा सा ध्यान से आप जब देखोगे तो सेम ही ग्राफ है जो हमने आइडियल के लिए पढ़ा है और यही पढ़ते आए हम अभी तक दो वॉलेटाइल कंपोनेंट के लिए हम जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे सॉल्यूशन के लिए बाइनरी सॉल्यूशन के लिए दोनों वॉलेटाइल हो तो एक्स एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन आता है वाई एक्सिस पे वेपर प्रेशर आता है मैंने मान लिया कि ए ज़्यादा वॉलेटाइल है बी से ठीक है क्योंकि स्टार्टिंग मैंने एक वही एजम्पन माना तो उसी से मैं रिलेट कर रहा हूँ ताकि समझने में दिक्कत ना हो तो यहाँ पर भी क्या है ठीक है यहाँ पर भी क्या है मैंने यही मान लिया कि बी कम वॉलेटाइल है और ए ज़्यादा वॉलेटाइल है तो ये जो डॉटेड लाइन बनाई है मैंने ब्लैक कलर से इसका क्या मतलब है सर डायरेक्ट वैसे ही बना देते तो डॉटेड तो मैंने बताया बनाइए ये एक आइडियल कंडीशन होती तब ये इस तरीके से स्ट्रेट लाइन कर्व आता और ये हमको नजर आता ये कर्व किसका नज़र आ रहा है ये सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों कैसे वॉलेटाइल है तो ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग वॉलेटाइल कंपोनेंट्स बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट तो उसके लिए स्ट्रेट लाइन नज़र आती है ये लाइन किसके लिए नज़र आती है ये वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन सॉल्यूशन आता है यानी ठीक है ये वी ए मतलब पी ए की वैल्यू है पी नॉट ए एक्स ए के बराबर और ये किसकी वैल्यू है पी बी की विच इज इक्वस टू पी नॉट बी एक्स बी की वैल्यू क्योंकि हमने बोला है कि इस सॉल्यूशन में डेल्टा पी मिक्स इज लेस देन जीरो है डेल्टा पी मिक्स इज लेस देन जीरो दैट मींस जो ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर है वो थ्योरिटिकल वेपर प्रेशर से क्या है कम है तो ये जो वेपर प्रेशर ये डॉटेड लाइन मुझे बता रही थी कौन सी थ्योरिटिकल वेपर प्रेशर की बता रही थी जो आइडियली ये होने चाहिए थी लेकिन इस केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाते तो लिक्विड से वेपर फेस में मॉलिक्यूल कम जा पाते तो वहां पर वेपर प्रेशर भी क्या होता है इनका कम ऑब्जर्व होता है तो इस लाइन से तो नीचे ही वेपर प्रेशर आएगा अब लाइन से नीचे आएगा तो क्या स्ट्रेट लाइन बना देंगे नहीं क्योंकि इनिशियल पॉइंट तो यही रहेगा ठीक है और फाइनल पॉइंट तो यही रहेगा मोल फ्रैक्शन तो जीरो और वन ही रहेंगे कैसे भी ये ले लो एक्से एकस इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा तो अब जो ये कर्व आता है ठीक है तो ये कर्व आता स्ट्रेट लाइन नहीं आता है बस ध्यान रखना नेगेटिव डिविएशन इस लाइन के नीचे कर्व ड्रॉ होगा इस लाइन के नीचे पॉजिटिव होगा तो इस लाइन के ऊपर आ जाएगा नहीं। सिंपल सा ऐसे ये PA की वैल्यू थोरिटिकल है और प्रैक्टिकली कैसे कम वैल्यू मिल रही है लाइन के वेपर प्रेशर की तो इस तरीके से ये कर्व आपको देखने को मिलेगा ठीक है ये पॉइंट मार्क कर ये तो मिला मुझे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इसी तरीके से यहां से ये ए लिक्विड का या ए कंपोनेंट का सॉल्यूशन के अंदर वेपर प्रेशर की आप वो मैं मार्क कर रहा हूँ तो वो फिर से आपको इस लाइन के नीचे मिलेगा क्योंकि नेगेटिव डिविएशन है एक्सपेरिमेंटली आपको क्या मिल रही है उसकी कम वैल्यूज मिल रही है ठीक है ये इसी तरीके से ये लाइन क्या बताएगी मुझे पी बी का वेपर प्रेशर तो ये इस स्ट्रेट लाइन से हल्का सा आपको क्या मिलेगा नीचे की से स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी मतलब कर फॉर्म में मिलेगा ये इस तरीके से क्लियर है तो ये जो वेपर प्रेशर है ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है ये तो है सॉल्यूशन का विच इज इक्वल टू ए प्लस बी ये किसका है प्रेशर ये है ए का और ए किसके बराबर है पी नॉट चलो वैसे तो लिखना नहीं चाहिए इसको ए लिख देता हूं ठीक है क्योंकि वो थ्योरेटिकल वैल्यू है और ये किसका वेपर प्रेशर है ये पी बी का वेपर प्रेशर है वेपर प्रेशर ऑफ बी इन सॉल्यूशन वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ठीक है तो आप एनसीआरटी वगैरह में देखोगे तो इस तरह का ये कर्व दिखेगा आपको लाइन के नीचे लाइन के नीचे मतलब नेगेटिव डिवीशन नेगेटिव डिवेशन क्यों क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जा रहा है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जा रहा है तो लिक्विड से वेपर फेस में कम कन्वर्ट होगा तो वेपर प्रेशर अपने आप क्या हो जाएगा कम हो जाएगा ठीक है चलिए ये तो हुआ ग्राफ अब इसमें एक पॉइंट है एक पॉइंट क्या है कि हम मैं कई बार वैसे भी बोल चुका हूँ कि वेपर प्रेशर और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में एक रिलेशन होता है अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब बढ़ रहा है तो वेपर प्रेशर क्या हो रहा है कम हो रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो वेपर प्रेशर क्या हो रहा है कम हो रहा है फिर से सुनना मैं कह रहा हूँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो वेपर प्रेशर क्या हो रहा है कम हो रहा है तभी तो लाइन नीचे के साहब आई है।, है तो यहाँ मैं कह रहा हूँ कि जब ये कर्व ड्रॉ कर रहा हूँ ना मैं तो एक ये क्या बता रहा है ऐसे हॉरिजॉन्टल में देखूंगा तो क्या बताएगा वेपर प्रेशर की वैल्यू बताएगा मतलब इसमें मैं इस तरीके से मार कर जाऊंगा तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बताता जाएगा तो इस कर्व में देखोगे तो कोई लोवेस्ट पॉइंट भी तो होगा फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया ये लोवेस्ट पॉइंट इस कर्व का ये मतलब इस कर्व में सबसे कम मिनिमम वेपर प्रेशर क्या है इधर है मुझे ठीक है सबसे लोवेस्ट मान लिया ठीक है शायद आगे भी हो सकता है लेकिन मैंने इधर मान लिया थोड़ा कन्वीनियंस के लिए ठीक है इधर मान लिया इसका मतलब है कि इसके कारस्पॉन्डिंग मुझे मोल फ्रैक्शन मिल जाएंगे एक्स और एक्स बी के मतलब इस मोल फ्रैक्शन पे हमारे पास सॉल्यूशन का सबसे कम वेपर प्रेशर मिलेगा टेम्परेचर कांस्टेंट है टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं है इस पॉइंट पे मैं बोल रहा हूँ कि वेपर प्रेशर क्या है मिनिमम है ठीक है इस पॉइंट पर वेपर प्रेशर क्या है मिनिमम है तो इस पॉइंट के रिगार्डिंग में बात कर रहा हूँ ठीक है तो यहां पर मैंने बोला वेपर प्रेशर मिनिमम है तो इधर वेपर प्रेशर तो क्या है मिनिमम है पे पे इस पॉइंट क्योंकि ये जो कर्व ड्रॉ हो रहा है ये कर्व इस तरीके से जा रहा है तो एक ये सबसे नीचे लोवेस्ट पॉइंट है अगर मैं बोलूंगा तो इधर सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर है इससे भी कम कहां यहां पर आ गया ठीक है वो कहीं भी हो सकता है मैंने इस तरीके से जब कर्व को ड्रॉ कर रहा तो इधर मान लिया अब मैं कह रहा हूं कि वेपर प्रेशर मिनिमम है तो यहां पे क्या होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है यहां पर मैक्सिमम है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है यहां पर मैक्सिमम है क्योंकि लिक्विड से वेपर फेस में उसको जाने नहीं दे रहे दैट मीन्स यहां पर यह मैंने लिखा है ध्यान से पढ़ना इसको मैंने क्या लिखा है वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ठीक है वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब जैसे जैसे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा वेपर्स कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी कम आएगा क्लियर है तो वो मैंने मिनिमम पॉइंट मार्क कर दिया अब वहां पे मैं कह रहा हूँ कि वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा है अब उसके बाद मैंने नेक्स्ट पॉइंट लिखा है बॉइलिंग पॉइंट इज बॉइलिंग पॉइंट इज प्रपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बॉइलिंग पॉइंट इज प्रपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका क्या मतलब है? अगर मैं कह रहा हूं बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जब एक लिक्विड का वेपर प्रेशर हमारे एक्सटर्नल वेपर प्रेशर के क्या हो जाए बराबर हो जाए और अगर वो एक्सटर्नल वेपर प्रेशर हमारा एटमोस्फियर वेपर प्रेशर हो जाता है तब हम उसको नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं तो अब मान लो बाहर का मैंने मान लिया अभी नॉर्मल की बात कर ले तो बाहर का वेपर प्रेशर कितना है वन एटीएम हमारे हमारा एटमोस्फेयर का तो लिक्विड का जब तक वेपर प्रेशर वन एटीएम नहीं हो जाता है तब तक उसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं आएगा अब वन एटीएम प्रेशर लाने के लिए लिक्विड को किस में कन्वर्ट होना पड़ेगा वेपर में लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट होना है तो उसके लिए उसको एनर्जी तो चाहिए लिक्विड से वेपर में जाने के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा उसका टेम्परेचर उसका टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा ताकि नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो सके वेपर में जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होने लगेंगे तो एक टाइम बाद इक्विलिब्रियम आएगा और इक्विलिब्रियम आते आते जब इक्विलिब्रियम आएगा तब हम मान रहे हैं कि उसका वेपर प्रेशर कितना गया वेपर गया, बर आ गया एक्सटर्नल वेपर प्रेशर के क्या आ गया बराबर आ गया उस केस में बोलूंगा वो जो टेम्परेचर होगा टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते जब ये ऐसा वन एटमोस्फियर इसका वेपर प्रेशर हो जाएगा तो उस टेम्परेचर को मैं बोलूंगा उसका नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट और एक्सनल अगर एक से अलावा कुछ भी हो तो उसको बॉइलिंग पॉइंट तो अगर मुझे एक एट एटीएम उसका वेपर प्रेशर लेकर आना है लिक्विड का वन ए उसका वेपर प्रेशर लेकर आना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा एनर्जी देने पड़ेगी एनर्जी देने पड़ेगी मतलब क्यों क्योंकि वहां पर मेरे को लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करना है और इसको सिंपल है मैं समझ सकता तो दो लिक्विड है अभी मैंने क्या पानी को ले लो सबसे सिंपल पानी अभी क्या है एट्टी डिग्री पे बॉईल हो रहा है और यहाँ पानी 100 डिग्री पे तो 100 डिग्री पे जब पानी बॉईल हो रहा है 100 डिग्री पे पानी जब बॉईल हो रहा है तब वहाँ पर वो वेपर प्रेशर उसका वन एटीम पहुँच चुका है इसलिए बॉईल हो गया और 80 डिग्री पे अभी बॉईल नहीं हो रहा है क्योंकि उसका वेपर प्रेशर वन एटीएम पहुँचा नहीं है तो मुझे उसका टेम्परेचर भी क्या करना पड़ेगा 100 ये तो हुआ सेम लिक्विड अब दो अलग अलग लिक्विड ले लो लिक्विड ए और लिक्विड बी अब मैं कह रहा हूँ जो लिक्विड ए उसके मॉलिक्यूल्स के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है और इसके अंदर बी लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी वीक है तो थोड़ी सी सेम 70 डिग्री दोनों को मैंने टेम्परेचर दिया तो 70 डिग्री पे देखा मैंने उसका वो बॉयल होने लगा क्यों क्योंकि 70 डिग्री पे उसके क्या वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक था तो ईजिली लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो गया तो एक्सटर्नल वेपर प्रेशर के बराबर हो गया लेकिन जो ए लिक्विड था उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है ज्यादा स्ट्रांगर है फोर्स ज्यादा है तो उसके स्ट्रॉन्फिशियंट लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो ही नहीं पा रहे जब तक वो वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा तो वेपर प्रेशर कहां से आएगा मेरे पर अब वो वेपर प्रेशर कम आ रहा है तो वन एटम के बराबर पहुंच नहीं पा रहा और पहुंच नहीं पा रहा तो उस टाइम वो बॉयल नहीं हो पा रहा तो अगर मुझे उसको बॉयल करवाना तो सेवेंटी से और टेम्परेचर क्या देना पड़ेगा ज्यादा देना पड़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड कर रहा है बॉइलिंग पॉइंट भी हमारे इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच में डिपेंड कर रहा है जो मॉलिक्यूल्स के बीच में होते अगर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो कम टेम्परेचर पे ज्यादा मॉलिक्यूल्स लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होंगे अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर किसी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में बढ़ जाएगा तो उसको लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करने के लिए हमें एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगी टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा आ रही बात समझ में इसलिए मैं ऐसे बोल सकता हूं कि किसी का भी बॉइलिंग पॉइंट है वो उसके इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के प्रपोशनल है क्यों क्योंकि अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा स्ट्रॉगर होगा तो मुझे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ेगा क्योंकि ज्यादा उसको टेम्परेचर ज्यादा उसको हीट देने पड़ेगी क्लियर है तो मैं सिर्फ एक वर्ड में लिखा लेकिन पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया विद एग्जाम्पल तो कंक्लूजन ये कि बॉइलिंग पॉइंट प्रपोशनल होगा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के और वेपर प्रेशर प्रपोशनल होगा वन अपॉन इंटरमोलिकुलर फोर्स में जितना कम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही वेपर प्रेशर ज्यादा जितना कम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही बॉइलिंग पॉइंट कम इजिली लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा कम टेम्परेचर पे तो इस दोनों से मैंने यहां पर कंक्लूजन ये निकाला है। कि जो वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट है वो एक दूसरे के कैसे होंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे दोनों को रिलेट किससे करा है दोनों को रिलेट हमने यहां पर किससे करा है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से करा है तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिसको आपको आगे याद रखना है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी काफी पूछे जाते हैं क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी में ठीक है तो वहां पर हम प्रैक्टिस भी करेंगे तो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है अब अभी मैंने यहाँ पर लिखा है क्या लिखा है यहाँ पर कि यहाँ पर वेपर प्रेशर क्या मिनिमम है अगर यहाँ पे वेपर प्रेशर मिनिमम है तो क्या मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ इसी पॉइंट पे एग्जैक्टली exactly, इसी पॉइंट पे क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट को मैं बी पी लिख रहा हूँ बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगा क्योंकि दोनों में कैसा रिलेशन है इनवर्स रिलेशन है तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये वेपर प्रेशर जो मिनिमम दिख रहा है यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट उस लिक्विड का क्या होगा मैक्सिमम होगा उसकी पर्टिकुलर उसके रेस्पेक्टिव मुझे मोल फ्रैक्शन यहाँ से मिल जाएंगे क्लियर है बात चलिए उसके बाद हम आगे बात करते हैं एग्जाम्पल्स की एग्जाम्पल्स किसके एग्जाम्पल्स है मैंने बोला था लास्ट लेक्चर में भी आपको आइडियल और नॉन आइडियल के एग्जाम्पल याद रखने पड़ेंगे एग्जाम में पूछे गए और आगे भी पूछे जा सकते आइडियल के एग्जाम्पल थोड़े सिंपल थे होमोलोगस होते कि ऑलमोस्ट क्योंकि एग्जैक्टली सेम तो हो नहीं सकता तो हमने बोला तो ऑलमोस्ट सेम मास हो ठीक है और पोलर सेम नेचर हो पोलर पोलर या नॉन पोलर नॉन पोलर इसमें क्या हो क्या होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है जब नेगेटिव डिविएशन आता है तो तो ये एग्ज़ाम्पल है नेगेटिव डिविएशन के नॉन आइडियल का स्पेसिफिक एग्जाम्पल नहीं है अगर सिर्फ नॉन आइडियल आ गया तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एग्जाम्पल आ जाएंगे और स्पेसिफिक बोल रहा है नेगेटिव का एग्जाम्पल तो फिर ये नेगेटिव का एग्जाम्पल नेगेटिव में फाइनल जब दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करोगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा फॉर एग्जाम्पल ये क्लोरोफॉर्म है सी एस सी एल थ्री ये लिक्विड ए है और दूसरा एसिटोन है ये ठीक है ये लिक्विड बी है यहाँ पे मेरे पास एक लिक्विड इससे बना हुआ था और एक लिक्विड इससे बना हुआ था दोनों को मैंने मिक्स करा और मिक्स करने में, में मेरा सॉल्यूशन बन गया अब सॉल्यूशन बनने पे कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा क्या वो हमें देखना है तो ऐसे सॉल्यूशन जिसमें दोनों को मिक्स करने के बाद कोई एक्स्ट्रा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है तो उस केस में नेगेटिव डिविएशन वो क्या करता है शो करता है अब ये एग्जाम्पल आप देखोगे तो एनसीईआरटी में भी आपका दे रखा है और ठीक है इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ध्यान रखना बोर्ड में पूछा जा सकता है इसके अंदर एक स्पेशल केस है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्पेशल केस कैसे है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए दो कंडीशन होती है एक तो हमें कोई लोन पेयर डोनर चाहिए एक मॉलिक्यूल से तो यहां पे देखोगे इस ऑक्सीजन के बाद दो लोन पेयर दो लोन पेयर डोनर है दूसरा एक लोन पेयर एक्सेप्टर चाहिए जो कि कौन होना चाहिए हाइड्रोजन ही होना चाहिए बट कंडीशन है कि वो हाइड्रोजन किससे कनेक्टेड होना चाहिए मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम लाइक फ्लोरिन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तो यहाँ पे हाइड्रोजन है तो सही लेकिन ना तो वो ऑक्सीजन से ना ही फ्लोरिन से ना ही नाइट्रोजन से कनेक्टेड है ये किससे कनेक्टेड है कार्बन से तो फिर कहेगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग सही बात है लेकिन स्पेशल केस स्पेशल केस क्यों है क्योंकि हम ऑर्गेनिक में पढ़ते इंडक्टिव इंडक्टिव इफेक्ट इफेक्ट का मतलब क्या होता है सिग्मा बॉन्ड के थ्रू सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की, की, की वजह से शेयर पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर लेता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम अपनी तरफ पुल कर लेता है तो यहां पर भी यही हो रहा है यहां पर कार्बन और क्लोरीन में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है क्लोरीन तो इस सिग्मा बॉन्ड को क्या करेगा क्लोरीन अपनी तरफ क्या करेगा पुल कर लेगा इसी इस तरीके से दूसरा क्लोरीन भी कर लेगा और ये तीसरा क्लोरीन भी तीन तीन क्लोरीन जो कि काफ़ी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव होते तो इस कार्बन से क्या करेंगे अपने सिग्मा बॉन्ड को क्या करेंगे अपनी तरफ पुल करेंगे उसकी वजह से उसकी वजह से कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की क्या आएगी कमी आएगी कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की जैसे कमी आई

कार्बन की हाइड्रोजन से ज़्यादा है तो इसने फर्दर क्या करा हाइड्रोजन से फिर इलेक्ट्रॉन खींच लिए तो अब तीन तीन जो क्लोरीन इस पर गुस्सा निकाल रहे थे तो वो एक हाइड्रोजन पे इसने निकाला और इतनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इस पर इस पर बहुत हाईली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है हाइड्रोजन के ऊपर अब जैसा हम बोलते हैं कि ऑक्सीजन फ्लोरीन और नाइट्रोजन से कनेक्ट होने पर हाइड्रोजन पे काफी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ये इलेक्ट्रॉन रिच और इनके बीच में क्या हो जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है तो सेम कहानी ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर भी हो जाती है आएगी समझ में तो इसको एक स्पेशल केस मान के चलना और यहाँ पर ये एच बॉन्डिंग हो गई अब ये दोनों मॉलिक्यूल अगर हम मिक्स कर देते तो नॉर्मली तो इनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं था ंडरवल फोर्स ही मान लेते हम बट यहां पर जब दोनों को मिक्स करा तो इसमें जब दो क्लोरोफॉर्म के मॉलिक्यूल लोगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं मिलेगी क्योंकि को लोन पे डोनर नहीं जब दो एसीटोन के मॉलिक्यूल लोगे तो वहां पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी क्योंकि वहां पर ऐसा हाइड्रोजन नहीं है जो तीन तीन क्लोरीन से घिरा हुआ और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोन क्योंकि हाइड्रोजन तो यहाँ पर भी लेकिन ये हाइड्रोजन हाँ जो इस कार्बन से कनेक्टेड है इस पर इतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स नहीं लगे हुए तो लेकिन जब दोनों को मिक्स करा तब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही तो दोनों को मिक्स करने पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया तो हमारे पास ये क्या शो करता है नेगेटिव डिविएशन तो स्पेशल इस केस इसको ध्यान रखना नेगेटिव डिविएशन के एग्जाम्पल में ठीक है फिर कुछ कॉमन एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला एग्जाम में जैसे पूछे गए उसी के रेस्पेक्ट में हमने बात करी तो एच टू के साथ कोई भी इनऑर्गेनिक एसिड इनऑर्गेनिक एसिड मतलब एच सी एल ठीक है एच बी आर एच एन ओ थ्री नाइट्रिक एसिड एच टू ओ फोर एच सी एल ओ फोर ठीक है ये सभी एसिड जो है ठीक है इनॉर्निक एसिड कहलाते ठीक है लिख रखें यहां पे मैं एस थे प्यो फोर फॉस्फोरिक एसिड ठीक है एच सी एल ओ फोर एसटोएस फोर ये सब इनिक एसिड कहलाते इनॉर्निक एसिड और वाटर एक लिक्विड ये हो गया दूसरा लिक्विड एक कोई एसिड हो गया दोनों को मिक्स करेंगे तो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा अगेन यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ठीक है फिर से ये एग्जाम्पल किसका है नेगेटिव डिविएशन का देन थर्ड एग्जाम्पल देखें अब ये थोड़ा आपको याद ही रखना पड़ेगा इसमें इतना कोई लॉजिक है नहीं ठीक है तो यहाँ पे सी एस टू ठीक है जैसे सी ओ टू का स्ट्रक्चर होता है दोनों साइड से ऑक्सीजन हटा दो और दोनों साइड क्या लगा दो सल्फर लगा दो तो सी एस टू साथ में सी एस थ्री सी ओ सी एस थ्री ये अभी हमने देखा इसको क्या बोलते हैं हम एसीटोन अभी पहला जो एग्जाम्पल देखा एसीटोन और सी एस टू ये दोनों मिलकर क्या कराएंगे नेगेटिव डिविएशन वाला सोल्यूशन बनाएंगे या फिर सी एस टू के साथ और सी एस थ्री सी एच ओ ये क्या हो जाएगा हमारे पास एसिड एल कहलाता है ठीक है एल डी हेड ही ठीक है ये भी क्या करेगा नेगेटिव डिविशन दिखाएगा इसी तरीके से सी अभी लिखा था फर्स्ट एग्जाम्पल में ये फिर से गया क्लोरोफाम है क्लोरोफाम के साथ एक तो एसीटोन अस, अलग से हमने देख लिया उसके अलावा ठीक है एसीटोन आ ही गया है एसीटोन है अभी जो ऊपर एग्जाम्पल देखा था उसके अलावा बेंजीन के साथ भी कर लेता सी सिक्स एच सिक्स ठीक है अब हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन इसमें तो नहीं है लेकिन हाँ पुराने जो एग्जाम में पूछे गए उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिख दिए तो हो सके तो आप इनको याद कर लें ज़्यादा बेटर है क्योंकि और ये क्या है टॉलविन रिंग के ऊपर सी एस थ्री लगा इसको बोलते हैं टॉलविन तो एग्जाम में पूछे गए जेई मेंस और नीट में तो दोबारा बिल्कुल पॉसिबिलिटी दोबारा भी पूछेंगे और ऐसा नहीं एक ही बार पूछे गए, दो से तीन बार पूछे गए यानी ठीक है तो इनको याद जरूर कर लें ठीक है चलिए तो एक बार फिर से इसको मैं ऊपर से नीचे स्लाइड कर देता हूँ और कॉपी कर ले इस पूरी स्लाइड को तो यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन की और इसमें पहला सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डिवीजन फ्रॉम राउड लॉ ठीक है वीडियो पॉज करें और कॉपी करें ठीक है वीडियो पॉज करें और कॉपी करें ठीक है ये जो ग्राफ ड्रॉ करा है वो प्रेशर जो मैं आपको समझा रहा था उसी से रिलेटेड है वो ग्राफ पूरा ये ग्राफ भी ड्रॉ कर ले इसमें ठीक है तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आइडियल नॉन आइडियल दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है पूछे जा सकते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी काफी बनते इस पे जेई मेंस पे और नीट पे ठीक है तो वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच में जो रिलेशन है वो यहाँ पर हमने बात कर ली ठीक है देन फिर एग्जाम्पल्स लिख ले इसके अल्टीमेटली एग्जाम्पल आपको याद ही रखने इनको चलिए अब आगे कुछ थोड़े अजीब से टर्म लगेंगे जो आप सुनोगे तो बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको इनकी डेफिनेशन ही काफ़ी है और कंपटीशन के हिसाब से भी आपको बहुत ज़्यादा इसमें डीप में नहीं जाना जितनी जरूरत है उससे ज़्यादा ही मैं कुछ बता रहा हूँ ठीक है उतना बस आप समझ लेना इसको मैथामेटिकल कैलकुलेटिव वे में नहीं जाएंगे हम थ्योरेटिकल इस चीज़ को समझेंगे पहला जो टर्म लिखा है यहाँ पर लिखा है एजियोट्रॉप एजियोट्रॉप का मतलब क्या है अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स विच हैज़ अ कॉन्स्टेंट बॉइलिंग पॉइंट दो वॉलेटाइल लिक्विड को अगर मैं जब मिक्स कर देता हूँ तो दो वॉलेटाइल लिक्विड के अंदर दो वॉलेटाइल लिक्विड के मिक्स होने के बाद जो सॉल्यूशन बनता है उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो जाता है इसका क्या मतलब है ठीक है दो लेक्चर पहले हमने जो आ, एक टॉपिक पढ़ा था कि वेपर फेस में मोल फ्रैक्शन हम कैसे कैलकुलेट करें जब दो वॉलेटाइल लिक्विड का हम सोल्यूशन लेते तो हमने बोला कि जो ज़्यादा वॉलेटाइल कंपोनेंट होगा जो वॉलेटाइल सब्सटेंस होगा जो ज़्यादा वॉलेटाइल लिक्विड होगा वो ज़्यादा वेपर्स बनाएगा वेपर ज़्यादा वेपर्स बनाएगा मतलब उसके नंबर ऑफ मोल्स वेपर फेस में बढ़ जाएंगे तो उसका मोल फ्रैक्शन बढ़ जाएगा इस तरीके से उसको क्या करेंगे वेपर को कंडेंस करके लिक्विड में कन्वर्ट करके फिर दूसरे कंटेनर में डालेंगे फिर वो वेपर बनाएगा जो ज़्यादा वो लेटा ले फिर उसके वेपर ले लेंगे तो ऐसे मल्टीपल कंडनसेट करके मल्टीपल कंडनसेट करके हम उसमें क्या कर सकते हैं लिक्विड्स को ए और बी को हम सेपरेट आउट कर सकते हैं अब ये कह रहा है कि एज का तो मतलब ये हो गया कि उनका बॉइलिंग पॉइंट ही सेम है बॉइलिंग पॉइंट सेम होने का मतलब क्या हो गया उनके बीच में इंटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही सेम है और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम होने का मतलब क्या हो गया वेपर प्रेशर ही दोनों का सेम है अब जब दोनों के वेपर प्रेशर ही सेम हो जाएगा दोनों सेम ही वेपर्स बनाएंगे तो फिर आप कितनी बार कंड करो इनफाइनाइट उसमें डालते रहो आप कंडनसेट में बस सेम वेपर बनेंगे उसके मोल फ्रैक्शन में कोई चेंज ही नहीं आएगा तो एजोट्रॉपिक मिक्सचर का मतलब ये है कि ऐसा मिक्सचर जब दो लिक्विड को हम मिक्स करते हैं तो उनको सेपरेट नहीं कर सकते तो सर ये बनता कैसे एजोट्रॉपिक में ठीक है तो हम तो ठीक है उसमें कोई हायर स्टडीज में हम पढ़ते बीटेक वगैरह में मैंने पढ़ा था ठीक है तो उस लेवल पर हम जान रहे और कॉम्पिटिशन में इतना पूछते भी नहीं इतना ध्यान रखना एजोट्रॉपिक का मतलब क्या है तो एजोट्रॉपिक मिक्सचर का मतलब है दो लिक्विड जिनको हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते तो उनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा सेम हो जाता कॉन्सेंट हो जाता है ए का बॉइलिंग पॉइंट अलग था बी का अलग था दोनों को मिक्स करा तो भी सॉल्यूशन का कुछ अलग बॉइलिंग पॉइंट आएगा लेकिन इस केस में अब जब ए और बी को जब मिक्स करा ना तो एक आइडेंटिकल हो गए सारे पार्टिकल्स अब उनके बॉइलिंग पॉइंट बिल्कुल सेम आ रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट सेम आ रहा है तो वेपर्स भी क्या बनेंगे सेम बनेंगे अब ये कब बनता है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर तो एजियोट्रॉपिक कब बनता है तो ये हमें नहीं पता क्या सारे दो लिक्विड को मैं मिक्स करूं हमेशा एजियोट्रॉपिक बनाएगा कभी नहीं कुछ स्पेसिफिक लिक्विड स्पेसिफिक कंपाउंड ही एजोट्रॉपिक मिक्सचर बनाते हैं और कब बनाते हैं मतलब किस कंसंट्रेशन या किस अमाउंट में डाले तो वो भी हमें नहीं पता वो एक्सपेरिमेंटल देखते ठीक है अभी ग्राफ पे भी आऊंगा थोड़ा उससे भी समझाऊंगा मैं तो फॉर एग्जाम्पल मैंने इसके दस मोल लिए इसके पांच मोल लिए ए और बी के और मैं बोलिए एजोट्रॉपिक बनाए नहीं बनाएगा आ रही मेरे बात समझ उसके पंद्रह ले लिए इसके पांच ले लिए तो भी नहीं बना रहा मान लो इसके पचास ले लिए इसके बीस ले लिए उस टाइम शायद बना दिया इसने तो एक्सपेरिमेंटली हम इसको चेक करते कि दो सॉल्यूशन हमेशा एजोट्रोपिक मिक्सचर कभी नहीं बनाएगा और अगर बनाते हैं दो तो हर कंसंट्रेशन पे नहीं बनाएगा किसी भी अमाउंट में डाल दो हो सकता है किसी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ या स्पेसिफिक कंसंट्रेशन के लेवल पर ही वो दोनों एक दूसरे के साथ एजोट्रोपिक मिक्सचर बनाते जब उन्होंने एजोट्रोपिक मिक्सचर बना लिया तो अब उनको सेपरेट आउट करना पॉसिबल नहीं है अगर करना है तो उनकी कंसनट्रेशन चेंज करना पड़ेगा कंसनट्रेशन चेंज करेंगे तो एजोट्रॉपिक नहीं रहेगा ठीक है तो एजियोट्रॉप का मतलब सेम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या जो अभी मैं समझा रहा हूँ वही चीज हो गया ये ठीक है तो यहां लिखा है द मिक्सचर इन विच ऑल कंपोनेंट हैव आइडेंटिकल वैल्यू ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड हैविंग सेम कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट इन बोथ लिक्विड फेज एंड वेपर फेज सो इट इज नॉट पॉसिबल टू सेपरेट कंपोनेंट इन प्योर फॉर्म क्योंकि उनके आइडेंटिकल बॉइलिंग पॉइंट हो जाएंगे और आइडेंटिकल बॉइलिंग पॉइंट होने का मतलब है कि लिक्विड से वेपर में जो कन्वर्ट हो रहे हैं वो भी वेपर्स क्या जाएंगे सेम अमाउंट में जाएंगे और सेम अमाउंट में जाएंगे तो जो उनका मोल नंबर ऑफ मोल्स लिक्विड में थे सेम नंबर ऑफ मोल्स आपको क्या मिलेंगे वेपर में सेम मतलब सेम कंसनट्रेशन सेम रेशियो में है, जिसको हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन तो सेम मोल फ्रैक्शन अगर मैं नीचे 0.3 और 0.7 मोल फ्रैक्शन है ए और बी के तो वेपर में भी आप देखोगे 0.3 0.7 ही आ रहे हैं कुछ कम ज़्यादा हो ही नहीं रहे जबकि नॉर्मली क्या होना चाहिए अलग अलग होना चाहिए हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कंडेंसेट वाले में टॉपिक में पढ़ाता है नहीं ठीक है तो इस केस में जब सेम हो जाएंगे तो अब उसको कितनी बार कंडेंसेट कर लो उसको हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं तो ऐसे सॉल्यूशन के मिक्सचर को हम बोलते हैं एजियो मिक्सचर फिर एक्चुअल में हमारे पास एनसीआरटी में आप देखोगे तो वहां पर तो इतना सा बस कितना सा मैक्सिमम बॉइलिंग मैक्सिमम बॉइलिंग ड्रॉप तो पहले एज मैक्सिमम क्या है वो समझना जरूरी सॉरी एज्यू था वो समझना जरूरी है मैक्सिमम तो बाद में समझ में आएगा इसलिए पहले मैंने एजियो क्या था वो बताया मैक्सिमम बॉइलिंग एजयू का मतलब क्या है कि द एज्यूट्रॉपिक मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड इन विच बॉइलिंग अब हमने बोला है कि दो लिक्विड को हमने मिक्स करा और उन्होंने एजियो बना लिया तो उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट हो जाएगा सेम हो जाएगा तो अब दो टर्म यूज होते हैं। एक तो मैक्सिम बॉयलिंग एजियो ड्रॉप और एक होता मिनिमम बॉयलिंग एजियो तो मैक्सिमम बॉयलिंग एज बनता है नेगेटिव डिविएशन में अगर कोई दो सॉल्यूशन बनाते तो इसका मतलब क्या उस पर आते हैं तो इसने बोला कि अगर दो हमारे पास लिक्विड है ए और बी दो लिक्विड है अगर ए लिक्विड का एग्जाम्पल भी मैंने दिया ठीक है अगर ए लिक्विड का हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट क्या है फिफ्टी डिग्री है और बी लिक्विड का हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट सेवेंटी डिग्री तो दोनों लिक्विड के इंडिविजुअल अलग अलग तो बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग थे दोनों को मैंने मिक्स करा अब जो उनसे सॉल्यूशन बना तो अब उस सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो दोनों इंडिविजुअल लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा ही मिलता है कब जब वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजी बना रहा है तो अब जो ये सॉल्यूशन बना है इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या इसका 50 इसका 70 और दोनों इंडिविजुअल के बॉइलिंग पॉइंट से इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा ज्यादा होगा मतलब 70 से कुछ ज्यादा होगा कुछ भी होगा वो मुझे नहीं पता लेकिन 70 से तो ज्यादा होगा कब अगर वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजू बना रहा है तो ठीक है एज क्या होता है दो सोल्यूशन को मिक्स कर दिया उनका बॉइलिंग पॉइंट सेम कॉन्स्टेंट मैक्सिमम बॉइलिंग एज क्या होगा मैक्सिमम मतलब उनका बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम हो जाएगा ऐसा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर अब इसको समझते थोड़ा सा यहां पर हम ठीक है इस ग्राफ से मैं रिलेट करता हूं यहां पर, जो अभी मार्क करा था, इसको देखना ध्यान से यहां पे मैंने क्या बोला इस पॉइंट में मैंने अभी बोला कि यहां पे वेपर प्रेशर क्या मिनिमम है तो यहां पे बॉइलिंग पॉइंट क्या है मैक्सिमम है अगर मैं कह रहा हूं दो सॉल्यूशन दो लिक्विड मैंने मिक्स करे और उनसे एक सॉल्यूशन बनाया और अगर वो दोनों सॉल्यूशन ऐसी प्रॉपर्टी रखते हो कि ओ मिक्सचर बना सकता है एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन पे और मैंने मान लिया वो स्पेसिफिक कंसेंट्रेशन ये ठीक है थेके? मैंने मान लिया वो स्पेसिफिक कंसंट्रेशन कौन सी है ये ठीक है थेके? ये दो लिक्विड मैंने लिए दो लिक्विड से मिला के दोनों लिक्विड को मिला के एक सॉल्यूशन बनाया और मैंने मान लिया वो सॉल्यूशन एजोट्रोपिक मिक्सचर बना सकता है और एजोट्रॉपिक मिक्सचर भी बना रहा है वो एक ऐसे स्पेसिफिक पॉइंट पे जहाँ पे वेपर प्रेशर क्या मिनिमम है तो फॉर एग्जांपल मैं बोल देता हूँ ये पॉइंट थ्री यहाँ से एक्स ए पॉइंट थ्री है और यहाँ से एक्स बी क्या हो जाएगा पॉइंट सेवन मतलब जब एक्स ए और

तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजिड्रॉप का मतलब ये है कि अगर दो सॉल्यूशन, दो लिक्विड मिलके एक सॉल्यूशन बना रहे और अगर वो एजोट्रॉपिक मिक्सचर बना रहे ऐसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंसंट्रेशन पे जहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट क्या है मैक्सिमम है तो हम उसको बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजोड्रॉप और उस सॉल्यूशन की उस एजोट्रॉपिक मिक्सचर की खास बात क्या है कि वहाँ पर जो उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होगा वो इंडिविजुअल लिक्विड दोनों लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट से क्या होगा ज़्यादा होगा जैसा भी मैंने एग्जाम्पल में बताया अगर मैं यहां पर इन्हें एजोट्रोपिक मिक्सचर बना लिया इस मोल फ्रैक्शन के रेशियो पे अब मैंने इसको कम या ज़्यादा करा तो अब वो एजोट्रोपिक नहीं रहेगा अरे मैंने बोला ना अगर एजोट्रोपिक नहीं रखना है तो उसमें कंसनट्रेशन का चेंज कर दो कम ज़्यादा तो यहां से पीछे आएंगे तो एजोट्रोपिक नहीं आ से आगे जाएंगे तो पर्टिकुलर इस इस इंस्टेंट पे ही वो क्या बना रहा है एजोट्रोपिक सोल्यूशन या एजोट्रोपिक मिक्सचर बना रहा है क्लियर है तो दिस इंफॉर्मेशन इज़ मोर देन सफिशेंट फॉर जे मेन लेवल पे यानी ठीक है जे मेन ले लो या जे मेन ले लो एडवांस ले लो या किसकी बात करूं मैं नीट की बात करूँ ठीक है बोर्ड में तो डेफिनेशन ही काफ़ी है क्लियर है चलिए तो यहाँ पर आप इस स्लाइड को भी पहले आप क्या कर लें कॉपी कर लें एज ड्रॉप से ठीक है वीडियो पॉज करें और इसको कॉपी करें ठीक है वीडियो पॉज करें और इसको कॉपी करें ठीक है वीडियो पॉज करें और इसको कॉपी करें ठीक है तो यहां तक हमने पढ़ा भी तो क्या नेगेटिव डिविएशन अब हम बात करते हैं यहाँ पर पॉजिटिव डिविएशन की ठीक है अब इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि जब नेगेटिव समझ में आ गया तो पॉजिटिव में दिक्कत आनी नहीं है बस उसका रिवर्स कर दो यानी यहां पे लिखा सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम राउल स्लो सेम बिल्कुल पैरेलल चीज चलेगी उसके तो यहाँ पे मैंने लिखा सॉल्यूशन इन विच ए बी इंट्रैक्शन दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वीकर देन ए ए इंट्रैक्शन दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए ए एंड

सोल्यूशन इन विच ए बीट ए बी इंटरेक्शन इज स्ट्रॉन्गर ठीक है यहां पर क्या है हमारा जो इंट्रैक्शन वो क्या है स्ट्रोंगर होता है कब नेगेटिव डिफरेंस क्या है ठीक है तो रटने की जरूरत नहीं एक समझ में आ गया दूसरा अपना आप लिख लोगे बोर्ड में भी और एग्जाम में भी दिक्कतें तो ए बी इंट्रेक्शन है वो क्या हुआ हमारे पास स्ट्रोंगर हुआ है किसके अंदर नेगेटिव डिविशन में और सेम यही चीज ठीक है सेम यही चीज ठीक है सेम यही चीज पॉजिटिव डिविएशन में ए बी जो इंटरेक्शन है वो क्या हो गया यहाँ पर वीकर हो गया यानी बस यही डिफरेंस है इसकी वजह से सारा खेल रिवर्स हो जाता है पहले जो लिक्विड था इंडिविजुअल ए ए और बी बी वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड थे और जब दोनों को मैंने मिक्स करके जब सॉल्यूशन बना जो कि होमोजेनियस मिक्सचर होता है यूनिफॉर्मली कम्पोज होता है कम्पोजिशन होता है वो जो ऑफ़ ए और बी के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना वो वीक बना इस बार यानी

ठीक है बिल्कुल सिंपल है यहाँ से भी आप इन चीज़ों को कन्फ्यूज ना हो इसलिए ग्रेटर देन पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन आना चाहिए जीरो से तो दैट इज पी ऑब्जर्व माइनस पी कैलकुलेटेड जो किसकी वैल्यू है डेल्टा पी मिक्स की वैल्यू इज मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो इसको इधर ले जाएंगे तो पी कैलकुलेट आपकी बार जो ऑब्जर्व वैल्यू आ रही है जो ऑब्जर्व बैरोमीटर से एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आ रही है वो थियोरिटिकल कैलकुलेटेड राउंड लॉ से जो कैलकुलेट करी उससे ज़्यादा आ रही है ठीक है तो ऑब्जर्व वैल्यू इससे ज़्यादा आ रही है ज़्यादा आ रही है इसका मतलब क्या है कि जो वेपर प्रेशर है इंडिविजुअल लिक्विड का जो थ्योरिटिकल में कैलकुलेट कर रहा था उससे ज़्यादा ऑब्जर्व हो रहा है या ज़्यादा आ रहा है ऐसे बी का भी ज़्यादा आ रहा है क्यों ज़्यादा आ रहा है क्योंकि अब ठीक है अब आराम से रिलेट कर सकते हो क्यों ज़्यादा आ रहा है क्योंकि अब जो यहां पर ठीक है अब जो कहानी हम यहां पर बात कर रहे हैं सिर्फ इसमें इतना चेंज हुआ क्या चेंज हुआ कि ए सॉरी है ना कि इसमें ए बी का जो इंट्रैक्शन है वो वीकर हो गया ए ए से एंड ए बी का इंट्रैक्शन है वो वीकर है अगेन ठीक है अगेन वो वीकर है किस से बी बी इंट्रैक्शन से सही है बी बी से अगेन क्या है वो वीकर है यानी तो इस वजह से क्या हो गया जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हुआ ए बी वीकर हुआ ए ए से और ए बी वीकर हुआ बी बी से तो अब यहां पे जो मॉलिक्यूल होंगे वो दूर दूर हो गए यहां पे स्ट्रॉन्ग था तो मॉलिक्यूल पास पास थे पास पास थे अब वीक हुआ तो थो थो थोड़े दूर दूर हो गए दूर दूर हो गए तो लिक्विड से वेपर फेस में आसानी से जाएंगे वेपर फेस में कब जब ये सॉल्यूशन बना लेगा जबकि यहां प्योर फॉर्म में लिक्विड से वेपर फेस में आसानी से नहीं जा पा रहे क्यों क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अब आसानी से जा पाएंगे तो ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है वेपर प्रेशर तो हमें ज्यादा मिलेगा क्यों ज्यादा मिलेगा कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया तो वेपर प्रेशर मुझे ज्यादा मिल रहा है तो एक्सपेरिमेंटली मुझे ज्यादा ऑब्जर्व हो रहा है जबकि ठीक है जबकि थियोरिटिकली तो हमें हमने जो डेटे का जो डेटा था हमारे पास उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करा था वो तो कम आ रहा था ठीक है बट यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया तो वो वेपर ज्यादा बना रहा है तो वेपर प्रेशर भी उसका क्या रहा आ रहा है ज्यादा आ रहा है ठीक है तो यहाँ पर हम आए थे वेपर प्रेशर के बात सेम कहानी वॉल्यूम के लिए आप देख सकते हो वॉल्यूम के केस में क्या है कि डेल्टा वी मिक्स की वैल्यू क्या रही, आ रही है अब ग्रेटर देन जीरो आ रही है ठीक है डेल्टा वी मिक्स की वैल्यू क्या आ रही है ग्रेटर देन जीरो आ रही है डेल्टा वी मिक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आ रही है इसका मतलब क्या है कि फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम इंडिविजुअल लिक्विड के सॉल्यूशन के वॉल्यूम से क्या होगा ज़्यादा होगा क्यों ज़्यादा होगा क्योंकि पहले पास पास में थे मॉलिक्यूल दस एम एल पाँच एम एल अब वो जब दोनों को मिक्स करा तो 15 एमएल बना तो वो ज़्यादा बन गया उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हुआ तो मॉलिक्यूल दूर दूर हो गए तो लेवल मुझे क्या हुआ ऊपर बढ़ गया ठीक है तो यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पास में था मॉलिक्यूल पास पास में थे पास पास में थे अब की बार मॉलिक्यूल थोड़े दूर दूर हो गए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ तो लेवल मुझे पंद्रह एम से ऊपर दिखेगा पंद्रह पॉइंट एक पॉंट पॉंट या सोलह एमएल ठीक है इसलिए फाइनल सोल्यूशन का वॉल्यूम मुझे क्या मिला ज्यादा मिला फिर यहाँ पर हम बात करें डेल्टा एच मिक्स की बात तो सेम कहानी है आपके बार ये ग्रेटर देन होना सब देखो ग्रेटर देन है जीरो तो ग्रेटर देन होने का मतलब क्या हो गया पॉजिटिव कब आता है जब थर्मोडाइनेमिक्स में एंडोथर्मिक होता है और एंडोथ का मतलब क्या होता है हीट एब्जॉर्ब करता है हीट एब्जॉर्ब क्यों हो, हो रहा है ओवरऑल प्रोसेस में ओवरऑल प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जब हमारे पास इंडिविजुअल लिक्विड था ए और बी इंडिविजुअल लिक्विड था ए और बी इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या था इसमें स्ट्रॉन्ग था और अब सॉल्यूशन में मिक्स करा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया कम हो गया तो इनको तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो मुझे ज़्यादा चाहिए होगी और जब ये बॉन्ड जब बनाएंगे नए तो उसमें एनर्जी कम रिलीज होगी तो दोनों के समेशन करोगे तो एनर्जी तो ज़्यादा एब्जॉर्व हो रही क्योंकि बॉन्ड को मुझे तोड़ना है और जबकि जो बॉन्ड ये नया बना है तो उसमें एनर्जी क्या हुई कम रिलीज हुई कम रिलीज हुई तो ओवरऑल क्या हुआ सिस्टम मुझे ऐसा ऑब्जर्व हुआ कि एनर्जी एब्जॉर्व हो रही है एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया ठीक है तो सारा खेल किसका है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का है देन डेल्टा एस मिक्स कोई फर्क नहीं पड़ता ये हमेशा एंट्रोपी बढ़ाएगा क्योंकि डिसऑर्डर ने से डेल्टा जी मिक्स हमेशा क्या होगा नेगेटिव हो है क्यों क्योंकि ये तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है सॉल्यूशन नेगेटिव पॉजिटिव सॉल्यूशन तो बना रहा है तो वो स्पॉन्टेनियस होगा ठीक है देन हम इसमें ग्राफ की बात करते हैं सेम ग्राफ है जैसे हमने लास्ट ड्रॉ करा था तो चाहो वीडियो पॉज के आप ग्राफ आप खुद ड्रॉ करके देख सकते हो ठीक है तो अब हम इसमें बात करते हैं इसकी ग्राफ में क्या चेंज आएगा तो नेगेटिव डिविएशन हमने क्या देखा था कि प्रेशर कम हो रहा था तो ग्राफ आ रहा था नीचे इस बार डेल्टा पी मिक्स कैसा आ रहा है पॉजिटिव मतलब चेंज जो आ रहा है ग्राफ में वो क्या आएगा पॉजिटिव आएगा या मैं ऐसे बोल सकता हूँ जो हमारा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर वो एक्सपेरिमेंटली ज़्यादा आ रहा है जितना थ्योरेटिकल आना चाहिए था तो थेटिकल तो ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी और सेम जैसे नेगेटिव डिविएशन में हमने ड्रॉ कर था सेम पॉजिटिव डिविएशन के लिए हम ड्रॉ कर देते हैं तो यहाँ पर ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा थोड़ा सा कर्व फॉर्म में आएगा और इसके ऊपर की तरफ आएगा ठीक इस तरह से ठीक है ये पॉइंट मार्क करना इसी तरीके से यहां पर जो इंडिविजुअल ए का वेपर प्रेशर आएगा वो इस लाइन के ऊपर आएगा फिर बी का जो वेपर प्रेशर है वो इस लाइन के ऊपर की तरफ आएगा ठीक है तो यहाँ पर ये तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है जो कि पी ए प्लस पी बी के बराबर होगा ये वेपर प्रेशर ऑफ बी हो गया ये वेपर प्रेशर ऑफ ए हो गया ठीक है तो बहुत सिंपल है आइडियल सॉल्यूशन है तब तो स्ट्रेट लाइन्स आएगी नेगेटिव डिविएशन है अब नॉन आइडियल है तो स्ट्रेट नहीं आएगी तो अब क्या होगा नेगेटिव है तो लाइन के नीचे बना देना तीन उकर, और पॉजिटिव है तो लाइन के ऊपर की तरफ बना देना सेम कहानी जैसे हमने पिछले नेगेटिव uh, डिविएशन में करा था अब वहाँ पे हमने बोला था मिनिमम वेपर प्रेशर अब यहाँ पेपर प्रेशर बढ़ रहा है तो ये बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है एक स्पेसिफिक पॉइंट पे मैंने मान लिया यहाँ पर वेपर प्रेशर क्या मैक्सिमम है ठीक है तो इस पॉइंट को मैं मार्क कर रहा हूँ और यहाँ पर इस पर्टिकुलर इंस्टेंट में ठीक है इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर मैंने बोल दिया यहाँ पर जो वेपर प्रेशर है ठीक है यहाँ पर जो वेपर प्रेशर है वो क्या है मैक्सिमम है इस बार तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो बॉइलिंग पॉइंट होगा ठीक है जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा मिनिमम होगा क्यों क्योंकि ये बात हम कर चुके हैं कि वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट दोनों के एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं और किससे रिलेट कराता था इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ठीक है चलिए ये तो वो ग्राफ की बात और फिर इसके एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूँ पॉजिटिव डिविएशन के है ना पॉजिटिव डिविएशन के एग्जाम्पल की बात करें तो फिर से इनको याद रखने तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले जो था वो बाद में आने से क्या हो रहा है वीक हो जा रहा है तो ऐसे मान सकते हैं जैसे वाटर और एल्कोहल को मैंने मिक्स करा तो पहले वाटर वाटर में क्या था हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी एल्कोहल एल्कोहल में एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी लेकिन वाटर एल्कोहल में भी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई बिल्कुल होगी लेकिन अब जो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ठीक है एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो जब दोनों मिक्स कर देते तो वो कम हो जाती है ऐसे आप समझ सकते हैं तो डायरेक्ट आप याद रखें तो वो ज़्यादा बेटर है तो एल्कोल प्लस वाटर एल्कोल एंड हायर हाइड्रोकार्बन हाइड्रो हायर में जैसे एन पेंटेन एन हेप्टेन ठीक है इनमें लिख लेना चाहे ये लीनियर ब्रांच नहीं एन पेंटेन और एन हेप्टेन और ऑनबर्ड्स on, मतलब बड़े वाले हाइड्रोकार्बन पाँच सात आठ कार्बन जिसमें आ रहे हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे एसीटोन दे रखा है और ये इथेनॉल दे रखा है या फिर बेंजीन दे रखा है दोनों में से किसी को मिक्स करो तो कैसा पॉजिटिव डिविएशन वाला सॉल्यूशन बनाएगा इसी के तरीके से क्लोरोफॉर्म नहीं C -C है सी सी एल फोर है क्लोरोफॉर्म होता है सी एच सी एल थ्री ये टेट्रा क्लोरोथेन बोलते इसको फिर बेंजीन के साथ या फिर टॉलविन के साथ ठीक है इसी तरीके से टेट्रा क्लोरोमिथेन और क्लोरोफॉर्म ये दोनों मिक्स होकर क्या बनाएंगे पॉजिटिव डिविएशन के सॉल्यूशन बनाएंगे ठीक है तो एक बार इसको भी एक बार स्लाइड में पूरी ऊपर कर देता हूँ कॉपी कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके ठीक है तो एक ही डिफरेंस है जो मैंने मार्क कर दिया दोनों में अल्टीमेटली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से सारा डिफरेंस आ रहा है नेगेटिव और पॉजिटिव तो वीडियो पॉज करें और कॉपी करें ठीक है तो वीडियो पॉज करके कॉपी कर ले इसको इसको ग्राफ को अलग से देख लेना आप तो यहीं पे इस पॉइंट पे मैंने मार्क कर दिया वेपर प्रेशर मैक्सिमम और वहीं पे बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा मिनिमम हो जाएगा इस बार और देन एग्जांपल्स लिख लेना इसकी ठीक है अब इसी तरीके से यहाँ पर भी एक टर्म यूज़ किया गया है जैसे मैक्सिमम बॉयलिंग एज्यूड्रॉप था तो इधर भी मिनिमम बॉयलिंग एजूड्रॉप क्योंकि एज्यू क्या था वो पहली बार मुझे बताना था इसलिए वहाँ पे दो चार चीज़ें थी यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिखा मिनिमम बॉयलिंग एजू तो द एज्यूड्रॉपिक मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स इन विच बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर इज लेस देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इंडिविजुअल लिक्विड बिल्कुल उसका रिवर्स है मैक्सिमम बॉइलिंग एजूड्रॉप का मतलब क्या था कि अगर दो लिक्विड मिलके एक सॉल्यूशन बना रहे और वो सॉल्यूशन किसी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे एजोट्रॉपिक मिक्सचर बना रहा है तो वो एजोट्रॉपिक मिक्सचर को हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते सेम डेफिनेशन यहाँ पे भी अपलिकेबल है बट वहाँ पे फिर बाद में हमने टर्म लिखा था मैक्सिमम और यहाँ लिखा हमने मिनिमम तो मिनिमम बॉइलिंग एज का मतलब ये कि अब जो एजो मिक्सचर बना है दो सॉल्यूशन को दो लिक्विड को मिक्स करने से तो इंडिविजुअल लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा उससे भी कम उन दोनों के इंडिविजुअल लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट से भी कम फाइनल जो हमारा एजोट्रॉपिक मिक्सचर बना है उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा ठीक है तो जैसे जो एग्जाम्पल लास्ट लिया था सेम वही वहीग्जाम्पल लिया मैंने कि यहाँ पे अगर कोई लिक्विड ए है उसका बॉइलिंग पॉइंट 50 डिग्री है और लिक्विड बी है उसका बॉइलिंग पॉइंट 70 डिग्री तो दोनों को मिक्स करने पे जो सॉल्यूशन बनेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट जो दोनों में से मिनिमम है 50 उससे भी कम होगा

अगर इस सॉल्यूशन दो लिक्विड को मिक्स करने से एक सॉल्यूशन बन रहा है और वो सॉल्यूशन अगर एजोटॉपिक मिक्सचर बना लेता है और वो बनाता है एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन पे ठीक है बनाता है एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन पे और वो कंसंट्रेशन ठीक है अगर वो कंसंट्रेशन अगर ये पॉइंट हुआ ठीक है वो कंसनट्रेशन अगर ये पॉइंट हुआ तो ठीक है वो कंसनट्रेशन अगर ये पॉइंट हुआ तो हम इसको क्या बोलेंगे मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा उस सॉल्यूशन का उस टाइम और उस टाइम ये कंसेंट्रेशन हमें बता लग जाएगी ए और बी की एक्स और एक्स बी की और उसको हम बोलेंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप ठीक है तो बिल्कुल उसी से मैंने रिलेट करा है तो यहां पर आप ठीक है तो ये लास्ट स्लाइड थी इसको और आप कॉपी कर लें ठीक है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप ठीक है तो हालांकि ये थोड़ा लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया होगा लेकिन हाँ आइडियल को बिल्कुल मैं अलग पढ़ाता हूँ ठीक है ताकि पहली बार आपको फील आए कि भाई क्या क्या, क्या फैक्टर कैसे रिलेट कर रहे हैं और नॉन आइडियल में फिर क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आता है तो दोनों को एक साथ मैं पढ़ाना पसंद करता हूँ ताकि आप कंपेयर कर पाओ साइड बाय साइड ठीक है क्योंकि नेगेटिव बढ़ा दिया फिर थोड़े टाइम बाद पॉजिटिव पढ़ाओ तो फिर आप कन्फ्यूज़ हो गए तो दोनों को साइड बाई साइड मैंने इसलिए एक साथ पढ़ाया क्योंकि दोनों को कंपेयर कर पाओ और याद रखने में आपको आसान होगा ठीक है तो एक बार प्रॉपर नोट्स बनाएं और कहीं पे भी आपको डाउट आ रहा है वीडियो को फिर से ध्यान से सुनना सब क्लियर हो जाएगा चलिए ओके बाय थैंक यू क्लास